एक 13 साल का लड़का है, इसको मेरे पास में लाया और उसका प्रॉब्लम ये है, माँ बाप ने लाया, उसके भी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा एक्टिव है, ओवर एक्टिविटी, मतलब एक जगह बैठेगा नहीं, इधर से उधर जंप करेगा, वहां से वहां जंप करेगा, कभी सोफे पे खड़ा रहेगा, फिर वहां से कूदेंगे और इधर चले जाएंगे, मतलब कहीं कुछ भी क्या करेंगे पता नहीं, ये फेंकेगा वो फेंक, घर की कोई चीज हाथ में आए तो फेंक देगा, नहीं तो कभी किसको लात मार देगा, फिर बैठेगा नहीं एक जगह पे और पढ़ेगा नहीं, पढ़ने के लिए उसको जबरदस्ती बिठाया, थोड़ा सा पढ़ेगा फिर फेंक देगा किताब, फिर और कहीं चले जाएगा, मतलब एक जगह भी नहीं बैठा, सुनेगा नहीं, खाना है, खाना खाने के लिए बैठा है तो फिर थोड़ी देर लेगा, दो तीन निवाल लेंगे, बाद में फिर उठ के और कुछ चले जाएंगे, मतलब उसको इतनी एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी है, कंट्रोल के बाहर है उसका, वैसा आईक्यू ठीक है, मतलब समझ जाता उसको। इसमें क्या दो प्रकार के लोग हैं कि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है और समझ अच्छी है, आईक्यू ठीक है, और कुछ लोग हैं कि हाइपर एक्टिविटी ना, आईक्यू ठीक नहीं है। अभी इनको ये जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD, और ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के लिए दवाई बहुत अच्छा काम करती है। एक तो एटेंट्रॉल है गोली, 18 मिलीग्राम की गोली रोज देते हैं, या फिर मिथाइलफेनिडेट देते हैं, उससे भी बहुत अच्छा आराम पड़ता है, 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम की गोली है, वजन के अनुसार देना पड़ता है। और इसके साथ साथ फिर मैं देता हूँ, कभी उसके साथ ऐड कर दिया कार्बामेज़ेपिन या ऑक्स कार्बामेज़ेपिन, या फिर थायराइडिन ऐड करना, या कभी ट्राइफ्लू पेरेज़िन ऐड कर देना, ताकि उसका एक्साइटमेंट जो है वो कम हो जाए, और इसे बहुत फायदा होता है। ये बच्चों को ना कि आप एक जगह बिठाओ और टीवी देखने दो तो वो टीवी देखेंगे कंटिन्यूसली, क्योंकि उनको क्या होता है कि वो जो टीवी के जो मतलब स्टिमुला है वो उनको एक जगह पे बिठा के रखती है, या फिर आप कोई उनको काम में लगा दो जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा स्टिमुला आँख में से अंदर जा रही है तो वहाँ बैठेंगे, और नहीं तो फिर वो बहुत ही चुलबुले रहेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, फिर ये सीख नहीं पाते, क्योंकि सीखने के लिए आपको एक जगह बैठना पड़ेगा, फिर सीख भी नहीं पाते, कुछ आता नहीं इनको। अच्छा, स्कूल में टीचर्स लोग मना कर देते कि स्कूल में धूमधाम करेंगे, एक जगह बैठेंगे नहीं तो, फिर स्कूल में गए नहीं तो पिछड़े हो जाते हो, मतलब पिछड़े जाते फिर स्कूल में से। तो इसका इलाज जल्द से जल्द करना जरूरी है। क्या होता है कि बच्चों को पागलों के डॉक्टर के पास में कैसे ले जाना, ऐसा एक हमारे इधर है, मेरा बच्चा क्या पागल हो गया क्या, इतने जल्दी पागलपन आता क्या, इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास में लेकर नहीं जाते, मगर साइकेट्रिस्ट के पास में इसका इलाज अच्छा हो जाता है। ये जो लड़का है 13 साल का, इसको मैंने मिथाइलफेनिडेट दिया, फिर एक आयुर्वेदिक दवाई हमने स्पेशल तैयार करके लिए वो दिया, एटेंट्रॉल दिया, उसके माँ बाप को मैंने काउंसिलिंग किया, और मैंने बोला ये दवाई धीरे धीरे बढ़ाओ, 18 से 27 मिलीग्राम तक आप लेके जा सकते हैं, ये जो मिथाइलफेनिडेट है वो 10 से 20 मिलीग्राम से लेके जा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ लोग आते हैं कि जो इतने एक्टिव नहीं रहते, मतलब इतनी हाइपर एक्टिविटी नहीं है, मगर थोड़ा स्लो है, थोड़ा ख्याल देते नहीं है, अटेंशन बराबर नहीं है, मतलब ऐसा बॉर्डर लाइन मेंटली टार्डेड है। तो उसका एक लड़का अभी और एक आया था जिसका मैं अभी जिक्र करूँगा आपसे, कि वो उसकी उम्र करीब 9 साल की है, और ये 9 साल का लड़का है कि भाई माँ बाप ने लाया कि भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहता है, थोड़ा सा डल है, जल्दी समझता नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन जल्दी होता नहीं है, मतलब बॉर्डरलाइन में रिटार्डेड है। तो इनको भी फिर हम मोडाफिनिल जैसी दवाई देते हैं, और मोडाफिनिल और मिथाइलफेनिडेट और थोड़ा एंटी डिप्रेशन की मात्रा दिया, तो भले उसका बुद्धि कम हो, ये दवाई से जरा ब्रेन स्टिमुलेशन हो जाता है और अच्छा परफॉर्म करने लगते हो। इसके साथ साथ उनको सिखाना पड़ता है, बार बार ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बिना मारे मारना नहीं है, क्योंकि माँ बाप क्या होते भिन्न हो जाते, गुस्सा करते हैं कि आता नहीं भाई, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, फिर मार ठोक करते, मारना ठोकना नहीं है, बार बार सिखाना है, थोड़ी दवाई है, कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन हमने जो की वो है, और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपको इसके बारे में कभी भी यदि जानकारी चाहिए तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए, लोग हमारे से ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन करते हैं, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल्स, कहीं से भी इंडिया से लोग आते हैं और हमको कंसल्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।